आपको दिल से मैं आपका आभारी हूँ और आप लोग आए तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, पार्टी के लिए सेवा करूंगा, आप लोगों के सेवा करेंगे। आपसे आज निवेदन है और निवेदन करने ही हमने आप लोगों को आज जोड़ के बुलाया। आज आपके सामने हमारे एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, चाहे पीडीसी मेंबर हो, प्रधान हो, हमारे जिला पंचायत सदस्य हो, हमारे उसमें सैनी जी हमारे यहाँ से सदस्य है, हमारे जो कैंडिडेट है, तो आपसे निवेदन है कि अपने एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को और सैनी जी को डाल दिया। और आज शाम तक ही प्रचार है, लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं, एक और आपको बधाई है, धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी मेहनत और आप लोगों ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा मांगे, हमारे बाबा को दोबारा लेकर के आए हो, जो इस प्रदेश को 5 साल में जैसे चमकाया है, आने वाले 5 साल और देखना आप, आपके इस प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत तरक्की होने वाली है, जबकि सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा प्रदेश है ही। आज 25 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितना का विकास हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ कहीं नहीं हुआ, ये आपके सामने मैं खुल के कहता हूँ। अमरोहा आपने देखा होगा, अमरोहा के अंदर लाइट बिजली कोई गांव में, इतने गांव में कनेक्शन नहीं थे, आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने, इस जिला हमारा जरूर छोटा है लेकिन पैसा खूब दिया, रोड अच्छे बन रहे हैं, यहाँ की बिजली की समस्या हल कर दी। और आपसे निवेदन करता हूं आने वाले 5 साल जो हमारी सरकार करने जा रही है, हर प्रधान खुश होगा, हर गांववासी खुश होगा, हर गरीब किसान मजदूर सब लोग खुश होंगे कि काम और विकास के ऊपर दोबारा हमारी सरकार बनी है और आगे भी इससे ज्यादा काम होगा। इतना आपसे कहना चाहता हूं और एक आपका आभारी हूं, आपने अपना टाइम निकाला, हमारे भाई साहब अध्यक्ष जी आए हुए अभी तो वो बोलेंगे, मैं तो बार बार आपसे निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी आज एक पार्टी का एक बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी पार्टी कोई और है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी। ये आज देख रहे होंगे विदेशों में भी माननीय मोदी जी का, हमारा एक ही काम है, हमने जात पात की राजनीति नहीं, हमारे इसमें हमारे माननीय मोदी जी है, योगी जी है, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ धोखा नहीं, जो चीज एक को मिलेगी वो दूसरे को मिलेगी, दूसरे को मिलेगी तीसरे को मिलेगी। हमारे यहाँ पर ये आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो चीज मिलेगी वो सबको मिलेगी, ये सरकार सबका साथ और सबका विकास चाहती है और इस शांति चाहती है इस प्रदेश में, इस देश में, और हम सब लोग मिलकर जुलकर शांति से रहे और अपना जीवन व्यतीत करें। सच्ची बात तो ये है, हमें लड़ना झगड़ना हमारे यहाँ वही नहीं, आज 5-7 साल हो गए हमारे केंद्र की सरकार को, कहीं आपने झगड़ा नहीं देखा। ये तो जो दूसरी पार्टी है वो आके लाती रहती है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपस में मन फाड़ते रहते हैं, चुनाव में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन आप सब मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे एमएलसी के चुनाव में आप लोग सब अपना सुबह निकल करके उनको वोट देना है। और वैसे भी आपको बताता हूँ, ये सत्ता का खैर आपकी अपनी है पर अच्छे वोटों से उसको जिता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सारे प्रधान पीडीसी मेंबर सभासदगण सबको हाथ जोड़कर नमन प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ मेरे गुलामी पे, बाबू जी के गुलामी पे यहाँ आए। आज ये घर पे जो आप लोगों के साथ परिवार की तरह वार्तालाप की जो एक मीटिंग रखी गई है, इसका सिर्फ एक ही संदेश मुझे देना है कि हम सब एक साथ थे, हैं और रहेंगे। हम सब चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे अभी जो अभी चुनाव चल रहे हैं इसमें भी हम सब एकजुट होकर
तो हम 1495 वोट हमारे जिले की है। मैं ये वादा दिलाता हूँ भाई मोहित बेनवाल जी को भी कि सारे जिलों में से सबसे अगर ज्यादा वोट अगर मिलेगी तो हमारे अमरोहा से सबसे ज्यादा वोट मिलकर ही हमारे सैनी साहब यहां से जीत के निकलेंगे। आप सबसे अपील यही है कि इस कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की गिनती नहीं होगी। बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं, प्रधान पीडीसी जो कह रहे हैं कि हमारी इसमें गिनती नहीं हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ 1495 वोट है, इसके अंदर भी आप अपनी तरफ से वोट डालिए, पूरा साथ दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। आपकी एक एक वोट गिनती होगी, इसकी गारंटी जिम्मेदारी मैं आप लेता हूं। आप लोग 9 तारीख को सुबह सबसे पहले उठकर अपने अपने जहां ब्लॉक है आपके आपके ब्लॉकों में जाकर सबसे पहले अपना वोट डालें और अपने साथ अपने जानने वाले जो प्रधान हो बीडीसी हो उनके साथ जाकर अपनी वोट डालें। आपको जो बैलेट पेपर दिया जाएगा उसके आगे सबसे पहले तो आपको अपने साथ कोई कलम कोई पेन लेके नहीं जाना, आपको वहीं पर पेन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वही मिलेगा। आप उसी पेन से दूसरे नंबर पर सतपाल सिंह नाम के आगे एक डंडा सीधा बनाकर अपना समर्थन दे, अपना साथ दे, अपना सहयोग कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ है, आपसे पहले भी एक ही बात कही है और आज भी आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप लोगों ने परिवार की तरह हमेशा साथ दिया और मैं भी आपके परिवार का बच्चा। मेरे महामंत्री, अन्य महामंत्रीगण, मेरे सम्मुख और मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच व मेरे सम्मुख उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सम्मानित जिला पंचायत के सदस्यगण, ब्लॉक के प्रमुखगण, ग्राम प्रधान, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी अमरोहा जनपद के सम्मानित जिला पदाधिकारीगण, मोर्चों के जिला अध्यक्षगण, मंडल के अध्यक्षगण व भारतीय जनता पार्टी के जनपद के सभी दूरगामी गांवों से कस्बों से आए मेरे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं व मातृशक्ति, मैं आप सबका सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग सब इस जनपद में एक साथ एकत्रित होकर के इस चुनाव में जिसमें हमारे प्रत्याशी सतपाल सिंह सैनी जी हैं उनके समर्थन में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं। ये सामने जो है ना थोड़ा सा इधर पर हो जाएंगे तो ये लोग देख पाएंगे, ये तो कह नहीं पा रहे, मैं इनकी बात कह दे रहा हूं। अमरोहा जनपद इतिहास के पन्नों में भी अपना अलग स्थान रखता है और अमरोहा की धरती केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर अपनी खुशबू के लिए अपनी मिठास के लिए जानी जाती है। मैं जब जब अमरोहा आता हूं और मेरे प्रिय जनपदों में से अमरोहा भी एक जनपद है, तो कल जब मुझे ऋषिपाल जी ने फोन किया कि आपको आना है तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाया और मैंने चूंकि यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो विलंब किए बिना मैंने तुरंत कह दिया कि मैं आऊंगा। मैं उसके लिए ऋषिपाल जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे पुनः आप लोगों के बीच में आकर के आपका दर्शन करने का आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब लोग अभी कुछ समय पूर्व ही विधानसभा के चुनाव से निकल करके आए हैं, उससे पहले भी कई चुनाव हुए, कई विधानसभा का उपचुनाव, कई एमएलसी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव और अब एमएलसी के चुनाव पुनः आपके बीच में है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत के
साथ उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त की है, उस जनादेश के लिए भी मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि 37 वर्षों के बाद 2022 में चुनाव होगा, और उस चुनाव में जब चुनाव चल रहा था तो लोग यही पूछते थे भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, लोग यही पूछते थे, चाहे वह दिल्ली के पत्रकार बंधु हो, दिल्ली का मीडिया हो, दिल्ली का प्रबुद्ध वर्ग हो, लखनऊ में हो या देश के बाहर अन्य देशों में चर्चा होती थी तो उत्तर प्रदेश की जब चर्चा आती थी तो अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते थे, और लोगों के मन में यह प्रश्न रहता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिणाम किस ओर जा रहे हैं। चुनाव के दौर में भी जब प्रथम द्वितीय चरण का चुनाव समाप्त हुआ तो कार्यकर्ता के नाते हम लोगों का भी पूर्वी ओर जाना हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाना हुआ, वहां पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल के लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे किसान आंदोलन के बीच से लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, ये अन्य दल के लोग ये किसानों का मुखौटा पहन करके भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, चाहे वे वामपंथी दल के लोग हों या कांग्रेस के दल के लोग हों, उन्होंने किसानों के हितों की बात कभी नहीं की, उन्होंने की तो वह मुखौटा पहन करके अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बात की, यही लोग थे जो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भ्रम फैला रहे थे। लेकिन हम लोग किसानों के बीच में रहते हैं, इसी मिट्टी से निकल करके आए हैं, हम लोगों को किसानों का आशीर्वाद प्रेम और स्नेह निरंतर मिलता रहा,